Okay. See, see, we'll do the solution. Solution. A hole is drilled in a copper sheet. Okay. Feel कर, feel कर. The beauty, the problem का beauty. Answer आना important नहीं है. पहले subject को feel करना जरूरी है. मतलब देख मैं feel लाता हूँ. एक sheet है. एक sheet को यह hole है. हाँ. इसको मैंने heat किया. इसको heat किया. तो ये जो होल है वो बड़ा हुआ, साइज बड़ा हुआ होल का, करेक्ट है? वो कितना साइज बड़ा हुआ इज द क्वेश्चन. कितना इनिशियल टेम्परेचर कितना था? इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था. फाइनल टेम्परेचर कितना था? 227 डिग्री सेल्सियस था. हीट करने पर साइज बड़ा हुआ. आई रिपीट, हीट करने पर साइज बड़ा हुआ. सही बात है सर, हीट करने पर साइज बड़ा हुआ. एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर? वही तो करेंगे. क्लियर? डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी, अल्फा एल डेल्टा टी. अल्फा क्या है? अल्फा 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 1.7 इंटू 10^-5. लेंथ क्या है? लेंथ 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 कितना है? द डायमीटर ऑफ द होल इज 4.24 मीटर. लगता है तुम करेक्ट दे, तो मैं सेंटीमीटर था एक्चुअली, 4.24 सेंटीमीटर. देन आंसर करेक्ट है, डोंट वरी रिद्धि, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट. एक्चुअली सेंटीमीटर था, इट्स ओके. यू शुड हैव कन्वर्टेड सेंटीमीटर टू मीटर, बट दैट इज ओके. तो अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा. ऑब्वियसली यू हैव टू राइट इन एसआई यूनिट, देयर इज नो सेकंड थॉट ओवर इट, यू हैव टू राइट इन एसआई यूनिट. तो डेल्टा एल हो जाएगा 4.24 लेंथ. डायमीटर यानी लेंथ ही रहे, डायमीटर यानी लेंथ, भावना इंपॉर्टेंट है. डायमीटर यानी लेंथ, भावना इंपॉर्टेंट है. नाउ कम्स सालुंकेस क्वेश्चन. शी इज आस्किंग दैट सर, शुड आई कन्वर्ट इट टू केल्विन? बच्चा मेरे, ओके बच्ची मेरी, हाँ तुझे एक बात समझना है कि वेन यू टेक टेम्परेचर का डिफरेंस, वो केल्विन में होने दे या वो डिग्री में होने दे, फर्क नहीं पड़ता है. तू केल्विन में करके आंसर ले या तू डिग्री में लेके आंसर ले, फाइनली यू आर फाइंडिंग आउट डिफरेंस. वेन यू आर फाइंडिंग आउट डिफरेंस, इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज इन डिग्री और केल्विन, बिकॉज डिफरेंस रिमेन्स सेम. सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर डेल्टा टी, हियर आई जस्ट राइट हियर T2 - T1, 227 - 27, that is yard noor 200. Okay, it does not matter whether you are in Kelvin or whether you are in degree. Difference to 200 hi aana hai. Okay, so when you use the calculators, okay, when I use the calculators, whatever they told me, that is right. One minute, let me get my calci. Okay, that is allowed. State syllabus bacha, totally okay. 1.7 multiplied by 4.24 multiplied by 2. I am getting 14.416 into 10^-5 plus 2. Minus 5 इसका ये दो जीरो, 100 का 100 के दो जीरो, तो मुझे आया 14.416 into 10^-3 or else 1.44 into 10^-2 -2 मीटर. ये आए एक्सपांड. देख अब फील कर, आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं था, आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं था. फील कर, फील क्या है? ओ मतलब इधर से इधर हीट करूंगा, मतलब मैं 200 डिग्री बढ़ाया. साला बढ़ा कितना? 1.44.02 मतलब क्या? 1.44 सेंटीमीटर. 10^-2 बोलते सेंटीमीटर, ऐसे डाउट लूंगा भी नहीं है मैं कॉलेज में आके, सर ये सेंटीमीटर कैसे आया, ये सब 11 में बताने की बातें नहीं है, ये सब स्कूलिंग की बातें है. ठीक है. ओहो सर 200 डिग्री हीट करने पर, 200 डिग्री हीट करने पर सर बड़ा कितना? 1.5 सेंटीमीटर. कितना सर? 1.5 सेंटीमीटर, हाँ नेग्लिजिबल, वो भी मीटर में था करके.
अगर क्वेश्चन ही सेंटीमीटर में होता तो एमएम लेवल में बोलो तो नहीं के बराबर, बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट वो नहीं है कि ये नहीं के बराबर है, पॉइंट ये है कि हीट करने पर बढ़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री में जाएगा, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में यू फाइंड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वेरी हाई लेवल्स, मतलब उनका जो सरफेस का फिनिशिंग रहता है ना वो माइक्रोन लेवल तक होता है, मतलब इस लेवल का एक्यूरेसी रहता है, माइक्रोन लेवल तक फिनिशिंग रहता है, तो इट मैटर्स अलॉट, माइक्रोन लेवल फिनिश, माइक्रोन मतलब किसको बोलते हैं, 10^-6 का फिनिश, कितना वो उसका एक्यूरेसी रहेगा, और मटेरियल टू मटेरियल कितना प्रिसाइज रहता है, क्वालिटी वाला आदमी रहता है, क्वालिटी वाला आदमी सब एनालाइज करता है। एनीवेज थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, बट यू शुड ऑलवेज फील द सब्जेक्ट कि ओ 200 बढ़ाने पर कितना हुआ, एंड ये रियल डेटा है, ये फेक डेटा नहीं है, ये रियल डेटा है, ये जो वैल्यू डाला है कॉपर का ये रियल है कॉपर का वैल्यू। ओके एनीवेज तो ये था थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्या क्या समझ में आया, हीट करने पर सर लेंथ बढ़ता है, उसका हमको ये समझ में आया। आई होप सबको फील आया होगा, करेक्ट है।